ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसको सुंदर बनाना, इसको एंजॉय करना, इसको आनंद से भरपूर करना, ये अपने हाथ में है। कई लोग अपने इस जीवन की सुंदरता को नहीं समझते, जीवन को महत्व नहीं देते और छोटी छोटी बातों में अपने जीवन का आनंद खोते रहते हैं। जरा चिंतन करें, स्वयं से बात करें। हमारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। संसार में तो लोग कहते आए 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। ठीक है, वो बात गलत थी, और वो भी इसलिए गलत हो गई ज्ञान हमें मिल गया, और इसलिए भी गलत हो गई कि मनुष्य जीवन पाने के बाद भी मनुष्य कीट पतंगों के समान ही रह गया। लेकिन मनुष्य जीवन सचमुच बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास सद्विवेक है, और अब तो हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान है। क्यों न हम अपने इस जीवन को आनंद से भरपूर कर दें, ताकि हमें जीने का मजा आए। हम ये न कहें कि बाबा जल्दी करो, विनाश करो। हम ये कहें कि हे बाबा, तुम्हारे साथ ये जीवन की यात्रा चलती ही रहे। हर कर्म को एंजॉय करें, संबंधों को एंजॉय करें, प्राप्तियों को एंजॉय करें, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर आगे बढ़ें। संतुष्टता का ये अर्थ कदापि नहीं कि हम उन्नति करने के लिए प्रयास न करें, लेकिन संतुष्टता जहाँ है वहाँ प्रोग्रेस बहुत सहज होती है, वहाँ मनुष्य सहज ही आगे बढ़ता रहता है। कई लोग ये गलत समय लेते हैं, अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम प्रयास क्यों करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, संतुष्टता के साथ आगे बढ़ना यही विवेकशीलता है। तो आइए हम चेक कर लें, किसी भी बात के कारण हमने अपने जीवन को विषैला तो नहीं बना दिया है। ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में कोई ऐसा साथी आ गया है जिसने हमारे सुखों को छीन लिया है, जिसने हमारे चैन को नष्ट कर दिया है, जो हमें योग युक्त नहीं रहने देता, जो हमें श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाने देता। ये तो ठीक है कि ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है, परंतु अब हमें इससे ऊपर निकलना है। कोई ऐसा साथी आपको मिल गया हो, उसको शुभभावनाएं दें, उसके साथ डिबेट न करें, तुरंत रिएक्ट न करें, इन बातों का ध्यान रखें। उनकी बातों को थोड़ा सम्मान दे दें, उनकी बातें थोड़ा सुन लें, उनकी बातों को हाँ जी कर लें, और हो सके तो कुछ समय चुप रहना सीख लें। वो जो कहें ठीक है, ठीक है। जब हम उनको सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देने लगेंगे। जब हम उनकी हर बात पर डिबेट करते हैं तो वो भी हमारी हर बात को काटना चाहते हैं, और दोनों का अहम जागृत रहता है। इसलिए अपने जीवन को आनंद से भरपूर करना है। विघ्न समस्याएं भी जीवन में आएंगी, लेकिन उनको भी सहजता से पार करते चलना है, और सहजता से पार करने का आधार होता है उन्हें पहले स्वीकार कर लें। और याद रखें, हमें साथ कौन दे रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मनुष्य समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मुझे साथ देने वाला स्वयं भगवान है, जिसका साथ मिलने पर अन्य किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती, जिसका साथ मिलने पर जीवन की यात्रा परम आनंद से भरपूर हो जाती है, जिसका साथ मिलने पर सब खजाने और संपूर्ण भाग्य भी हमारे साथ हो जाता है। तो आज सारा दिन हम उसके साथ का अनुभव करेंगे। पहले तो ये याद ही रखेंगे, इसको अपनी फीलिंग में, अवेयरनेस में, नशे में समाएंगे, स्वयं भगवान 1000 भुजाओं के सहित हमारे साथ है, और स्वयं मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान परम धाम से नीचे उतरता है, देखेंगे उसको अपनी छत्र छाया बनाएंगे। सर्वशक्तिवान अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं,
विजुअलाइज करें, इस देखने में बड़ा आनंद है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर, डिवाइन छत्र छाया बन गए। महसूस करें नीचे मैं, सिर के ऊपर सर्वशक्तिमान। आनंद लें इस स्थिति का और आज के दिन को आनंद से भरपूर करें। ओम शांति।